हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रुपी बाजार चैनल में। आज हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट का एक नया लेक्चर जो है इन्वेस्टमेंट सीरीज में। तो आज हम देखेंगे एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम। तो एनपीएस ये क्या चीज़ है, तो आज हम ये देखेंगे ये किसने शुरू की। तो एनपीएस क्या है, तो ये एक मनी सेविंग स्कीम है जो इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू की है। ये कब तक शुरू रहती है, हमारे 60 साल की आयु तक। उसके बाद हमें 60% पैसा लमसम मिलता है, यानी बड़ी अमाउंट मिलती है, एक साथ मिलता है, और 40% पैसा आपको एज एन इंस्टॉलमेंट में मिलता है, एज अ मंथली सैलरी। किसके तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, जो आपने 60 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया था उसमें। सो आप स्टार्ट कब कर सकते हैं, ये 18 साल की आयु से लेके 70 साल की आयु तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे एक नई एक्सटेंशन भी मिली है, तो 5 साल की एक्सटेंशन, आप 75 ईयर तक इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर इसकी हिस्ट्री बताई जाओ, तो इसको पहले न्यू पेंशन स्कीम बोला जाता था, अभी इसका नाम नेशनल पेंशन स्कीम किया गया। इसको पहले ये नाम से इसलिए संबोधित करते थे क्योंकि ये स्कीम सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए पहले अवेलेबल थी, अभी ये नेशनली सारे एम्प्लॉयज़ के लिए अवेलेबल है, ये रिस्पेक्टिव आप कौन से एम्प्लॉयमेंट में हो। तो इसे कौन सी रेगुलेटरी बॉडी चलाती है, जैसे स्टॉक मार्केट आपने जाना ही होगा, सेबी चलाती है, सेबी रेगुलेट करती है, तो इसे PFRDA रेगुलेट करता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब आगे हम देखेंगे इसमें अकाउंट ओपन करने के कितने टाइप्स होते हैं। तो दो तरीक़ों में आप अकाउंट इसमें ओपन कर सकते हैं, Tier 1 एंड Tier 2। इसमें हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं हर एक साल के लिए। तो इसको ATC सेक्शन में, सब सेक्शन से ATCCD 2 और ATCCD 3, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं। तो इसको आप ओपन कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है इसको ओपन करना, ऑनलाइन बैठ के आपको बस रजिस्ट्रेशन करना है और इजीली ये ओपन हो जाता है। जैसे आपका पैन नंबर जनरेट होता है, तो इसमें PREN नंबर जनरेट होता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, और ये नंबर यूनिक नंबर होता है जो आपको इंडिविजुअल पर्सन के लिए एक ही नंबर प्रोवाइड करता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक जगह से उसको ओपन किया और दूसरी जगह से करी तो आपको दो दो अलग नंबर मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको अकाउंट के कितने टाइप है, Tier 1 और Tier 2। तो Tier 1 तो कंपलसरी है सबको ओपन करना, जिसको पेंशन फंड भी कहा जाता है, और Tier 2 होता है इन्वेस्टमेंट। तो पेंशन फंड में आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स देते हैं और ये सेविंग्स में चले जाते हैं। इसमें विड्रॉल ऑप्शंस लिमिटेड है, पहले तो आप फर्स्ट 10 साल तक तो आप पैसा निकाल ही नहीं पाओगे इसमें से, और 10 साल के बाद भी आप सिर्फ 25% पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं, वो भी आपको एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा तब। Tier 2 होता है जो है इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप पैसा दे भी सकते, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं, वो आपके सहूलियत पर कर सकते हैं आप। ये इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू इसलिए किया गया है कि एनपीएस चाहता है कि आपको सबसे अच्छी सर्विस दे और इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ वहाँ दौड़ना ना पड़े, तो सब कुछ एनपीएस से आपको मिल जाए, इसलिए आपको Tier 2 भी सेवा उपलब्ध की गई है। तो मैं ये बताऊंगा मैं आपको कि कितना फ़ायदा होता है, कितना पैसे मिलते हैं इसमें आप इन्वेस्ट करें तो। इसमें आपको तीन नॉमिनीज़ आपको देने पड़ते हैं, और इसमें एक फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर आप तीन नॉमिनीज़ देना चाहते हैं तो आप यह देख सकते हैं कि तीनों नॉमिनीज़ को आप कितने कितने परसेंटेज में आप पैसा देना चाहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, आप एक को 80% दे सकते हैं, दूसरे दो को 10-10% दे सकते हैं, जैसे आप चाहो। तो इसमें इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कर सकते हैं, इक्विटीज़ में, कॉरपोरेट बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। मोर देन 75% ऑफ योर मनी यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन इक्विटीज़ में, क्योंकि ये रिस्क होता है, रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसमें आप 75% ऑफ मनी इन्वेस्ट नहीं कर सकते आपके 50 साल की उम्र तक।
जिसमें हम देख रहे हैं पेंशन कैलकुलेटर, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाली है जिसमें आपकी उम्र एक 27 साल की हो, और पर मंथ अगर आप 3,000 रुपये निवेश इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आफ्टर 75 ईयर्स कितना अमाउंट मिलेगा। तो देख सकते हैं आप कि आपकी इन्वेस्टमेंट होती है 17,28,000 और आपको टोटल कॉर्पस यानी टोटल गेन प्रॉफिट मिलता, नॉट अ प्रॉफिट, आपको टोटल पैसे मिलते हैं 4,28,00,000, और इसमें से ये दिख रहा है टोटल गेन, वो हो गया आपका प्रॉफिट। सो बहुत ही अच्छी स्कीम है एनपीएस। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, बट आप स्टडी करके इन्वेस्ट करें। आपका कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें। तो नेक्स्ट ग्राफ आप देख सकते हैं, तो यह जो लेफ्ट साइड ग्राफ है इसमें आप देखेंगे अगर आपने इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये से स्टार्ट की हो तो आपका टोटल कॉर्पस कितना होगा। टोटल कॉर्पस यानी आपकी कितनी अमाउंट आपको मिलेगी आफ्टर 75 ईयर्स, और आपका टोटल कॉर्पस कितना है अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 2,000 पर मंथ है तो ईयरली एनुअली आपको 24,000 होगा। ये भी डिपेंड है, आप ये ज़रूर जान लीजिए कि आपकी उम्र के ऊपर भी यह डिपेंड है, ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो। और आपकी उम्र अगर 18 साल की है और आप स्टार्ट कर देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ही अमाउंट हो जाएगी। तो ये पैसे वाली स्कीम है, तो आप ज़रूर देखें, एनपीएस में ज़रूर निवेश करें, और ये गवर्नमेंट का है तो आपको कोई डरने की भी ज़रूरत नहीं है। बट मैं चाहूँगा कि आप पहले रिसर्च करें, स्टडी करें और तब ही इन्वेस्ट करें। तो होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करें।